हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं प्रेमचंद आज आपका स्वागत करता हूं। ग्रुप डी के एग्जाम अभी वर्तमान में लग रही हैं और काफ़ी सारे दोस्तों के एग्जाम लग चुकी है और आने वाले 17 दिसंबर तक लास्ट डेट दी गई है एग्जाम के लिए, वहां तक आपके एग्जाम लगेगी। दोस्तों, इस ड्यूरेशन के बाद में रेलवे की भर्ती मार्च 2019 से पहले भर ली जाएगी। अब इससे पहले हमें बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, 19 प्रकार के रेलवे भर्ती बोर्ड ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। अगर उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके कहीं भी कमी आती है या कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके जो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जा सकता है। चाहे अगर आप एग्ज़ाम में पास हैं तो फिर भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी सारी जानकारी को मैं आपको एंड तक बताता रहूँगा, आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखते रहिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2018, दूसरा एडवर्टाइज नंबर था ग्रुप डी का। दोस्तों, इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको पैरा नंबर 17 में 19 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल से बताता हूँ। देखिए, आगे चलते हम लोग पैरा नंबर 17 में। दोस्तों, ये पैरा नंबर 17 है, इसमें आपको डिटेल से दे रखा है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। यहाँ दे रखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स। यानी रेलवे ने, जो भर्ती बोर्ड ने जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड करी है आपसे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके 19 प्रकार के होंगे। दोस्तों, यहाँ दे रखा है, देखिए आप लोग, 19 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए, जो अगर आपको आवश्यकता है उनके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। विथ फॉर्मेट जो रेलवे ने डिसाइड किया है वही फॉर्मेट आपका होना चाहिए, अदरवाइज दूसरा फॉर्मेट अगर आप लेके जाते हैं तो रेलवे उसको मान्य कर देगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके पास जो होंगे वो रेलवे के दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा कि किस किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, किस किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर डीवी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एलोंग विद टू सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डीवी। एंड डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब कहा जा रहा है कि जिस समय आपको डॉक्यूमेंट्स शॉर्टलिस्ट के लिए किया जाता है, उस समय जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए बुलाया जाता है, तो उस समय आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाएं, साथ में उन डॉक्यूमेंट्स सभी का 2 फोटोकॉपी सेट बना के सेल्फ अटेस्ट करके जाना है। फर्दर, दिस कैंडिडेट शुड अपलोड दिस स्कैन कॉपीज इज ट्रू कलर ऑफ ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल पीरियड टू द डॉक्यूमेंट वेरीफाई थ्रू www.rrbdv.in पोर्टल पर। यानी दोस्तों, आपको कहा जा रहा है कि जो फर्दर में, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जो सेम कलर सेम डिज़ाइन में आपने अपलोड किए थे, वो के वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में। ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, या तो हिंदी में होंगे या फिर इंग्लिश में होंगे, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको लेके जाना है। वेयर सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेट वर्जन। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स हिंदी इंग्लिश में नहीं है तो आप स्वयं उसको ट्रांसलेट करके सेल्फ अटेस्ट करके शुड बी प्रोड्यूस वेन एवर रिक्वायर्ड, यानी आप उनको सेल्फ अटेस्ट करके आप वहाँ दे सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई शुड बी स्ट्रिक्टली इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। यानी इसका कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट जो रेलवे ने डिसाइड किया है वो का वही फॉर्मेट आपको लेकर जाना है, अदर दूसरे फॉर्मेट में लेकर नहीं जाना है। दोस्तों, नो एडिशन टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन देयर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई एंड द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट लेवल 245। इसका मतलब दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है आप लोगों से कि यदि आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और यदि आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाती है तो आपको नो एडिशन टाइम, यानी आपको कोई एडिशन टाइम, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। कैसा नहीं कि सर आज डॉक्यूमेंट्स मेरे कमी रह गई तो मैं किसी डॉक्यूमेंट्स को बनवा के कल लेके आ जाऊँगा, आप कल चेक कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है तो आपको लगभग अभी 2-2.5 महीने का टाइम है, मार्च तक का टाइम है, आप डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट बनवा लीजिएगा ताकि आपको बाद में जाकर परेशानी नहीं पड़े। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहती है उस समय तो आपकी कैंडिडेचर यानी कि आपकी जो उम्मीदवारता है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है और आपकी जगह दूसरा व्यक्ति को लिया जा सकता है। इसलिए स्पष्ट इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाने हैं। अब दोस्तों, आपको जो 19 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता है, वो 19 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यकता है, मैं आपको सारा डिटेल से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहला देखिए,
पैरा नंबर 71 में हमको दिया गया है। यहाँ देखिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि दसवीं की मार्कशीट हो यानी हाई स्कूल या मेट्रिकुलेट की मार्कशीट हो और उसका सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, आपका एज प्रूफ के लिए प्रमाण साबित होगा। दिस कैंडिडेट्स नेम फर्दर मदर नेम मेंशन इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसके अंदर आपका नाम, फादर्स मदर्स का नेम जो आपने फॉर्म में दिया है सेम टू सेम आपका उसमें मैच होना बहुत जरूरी है। ये थी पहली बात, तो यानी कि डॉक्यूमेंट्स का अगर इसमें कोई कमी है या कोई डाउट हो रहा है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपने संबंधित बोर्ड से अभी इसको कंप्लीट करवा लीजिएगा, या फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसके लिए आगे और बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। आप एफिडेविट बनाओ तो कैसे बनाओगे सब बात बता दूंगा। पैरा नंबर 17(2) में हम देखते हैं एनसीवीटी एनटीसी एनएससी एससीवीटी सर्टिफिकेट एस एप्लीकेबल। यदि आप लोगों ने आईटीआई आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना बहुत बहुत जरूरी है, इस बात का स्पष्ट ध्यान रखना है। पैरा नंबर 17(3) में देखते हैं हम लोग एससी एसटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एस पर एनेक्सर फर्स्ट, यानी कि आपको जो एनेक्सर फर्स्ट के अंदर अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एनेक्सर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। पैरा नंबर 17(4) में हम देखते हैं ओबीसी नॉन क्रिमिनलियर सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एस पर एनेक्सर सेकंड, यदि आप ओबीसी के नॉन क्रिमिनलियर की श्रेणी में आते हैं तो आपको सेकंड टाइप का जो एनेक्सर होगा वो आपको देना होगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ओबीसी का नॉन क्रिमिनलियर कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। ये सारे फॉर्मेट को भी मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूंगा दोस्तों। तो नॉन क्रिमिनलियर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट एज पर एनेक्सर सेकंड है, यदि आप नॉन क्रिमिनलियर की श्रेणी में आ रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप नॉन क्रिमिनलियर में हैं, जिसके लिए आपको एनेक्सर सेकंड एक ओवर कर देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर व्यूइंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस पर एनेक्सर थर्ड, यदि आपने जिस समय फॉर्म को भरा था और उसमें अगर आपने फीस में डिडक्शन पाया था तो आपको इनकम सर्टिफिकेट फॉर व्यूइंग एग्जामिनेशन फी, यानी अगर आपने फीस को वापस प्राप्त किया है तो आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का जो एनेक्सर थर्ड होगा वो आपको भरकर देना होगा। अगर आपने नहीं दिया है तो आपको उम्मीदवारता को यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए स्पष्ट इसको अगर आपने फीस को रिटर्न पाया है तो आपको स्पष्ट इसको दोबारा भरकर देना होगा। पैरा नंबर 17(3) 17 में हम देखते हैं ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, यदि दोस्तों अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां से ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यदि आपने कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको वहां छोड़ते हैं और ये लोग ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको वहां से ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। 17(8) की बात करें तो फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, यानी दोस्तों आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है अपने आधार कार्ड की बोथ साइड यानी आगे पीछे दोनों की। पैरा नंबर 17(9) में देखते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एस पर एनेक्सर 5th A, 5th B, 5th C एस एप्लीकेबल, यानी कि आपके पास में तीन तरह के एनेक्सर होंगे ए बी सी फिफ्थ के अंदर। अगर आप पीडब्ल्यूडी की श्रेणी में आते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देना होगा, जो भी अगर आप पीडब्ल्यूडी में अगर आए हैं तो आपको संबंधित मेडिकल आपका जो जहां से आपका मेडिकल होता है वहां से आपको जो जो आप पे लागू होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एनेक्सर फर्स्ट ए बी सी जो भी आप पे लागू है वो आपको बना के देना होगा। तीनों में से कौन सा लागू होता है आप पे मैं आगे जाके आपको जब एनेक्सर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको दिखा दूंगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग 17(10) में देखते हैं हम लोग एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यदि आप लोग कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट होने से पहले वहां से एनओसी लानी होगी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यदि आपने अपॉइंटमेंट किया है तो आपको वहां से एनओसी लेनी होगी तब जाकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, यदि आपने डिफेंस के अंदर जॉब किया है तो आपको वहां से एनओसी लानी होगी जब डिस्चार्ज के समय की, जो आपको एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहां से लेना होगा। यदि आपने आर्मी में कहीं जॉब किया है तो आपको वहां से किसी प्रकार की भारतीय सेना में या कहीं भी जॉब किया है आपने तो आपको वहां से एनओसी पूर्ण रूप से लेनी होगी डिस्चार्ज समय। पैरा नंबर 17(12) में बात करेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4th,
यदि आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्युनिटी में आते हैं, जैसे कि सिख आ गए, मुस्लिम आ गए, ये लोग तो जिन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी में शामिल कर रखा है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एस पर एनेक्सर फोर्थ, आप अगर माइनॉरिटी में हैं तो आपको एनेक्सर फोर्थ को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बना के एक एफिडेविट के रूप में देना होगा। गजेटेड नोटिफिकेशन एस एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मेट चेंज ऑफ नेम एंड मेंशन इन पैरा 1.7 में, यानी आपको दिया गया दोस्तों कि यदि आपके पास में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में नाम में समस्या है तो आप उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स का जो केस है उसको आप फॉर्मल के चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गजेटेड नोटिफिकेशन के रूप में आपको कहीं आपको एफिडेविट बना के देना होगा। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन मेड थ्रू ए चालान SBI ब्रांच एंड पे इन स्लिप ऑफ कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब कहा जा रहा है आपसे कि यदि आपने जिस समय फॉर्म भरा था उस समय अगर आपके पास में जो SBI में आपने चालान जमा किया था उसकी जो आपके पास ओरिजिनल रसीद दी थी वहाँ से, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, या अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटराइज चालान जमा किया तो वहाँ की पोस्ट ऑफिस की जो रसीद होना जरूरी है, या अगर आपने ऑनलाइन जमा किया है तो उसका प्रिंट आउट रसीद का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है दोस्तों तो जहाँ आपने फॉर्म भरा था संबंधित शॉप पे जाके या संबंधित साइबर कैफे पे जाके आज आप ही तलाश करें कि सर मुझे मेरे पास में रसीद चाहिए, या बैंक में जमा किया था तो बैंक से आप उसकी रसीद निकलवाएं, या पोस्ट ऑफिस में जमा किया था तो डेट के थ्रू आप उस वहाँ से आपको रसीद प्राप्त करें, क्योंकि अगर आपके पास ये फीस की रसीद नहीं है तो आप वहाँ पर आपको इसके लिए आपकी उम्मीदवारता को रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए ये होना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके पास में। गुम गई है तो आपके पास को निकलवा लें, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। पैरा नंबर 1715 देखते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। यदि आप लोग ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आते हैं तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा, यदि आपने लिंक चेंज किया है ट्रांसजेंडर किया है तो। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आप जम्मू कश्मीर में आते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। डिग्री ऑफ डाइवर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कंप्लेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टेटिंग डेट द कैंडिडेट हैज नॉट रिमेरिड। यदि आप लोगों का डाइवर्स हो चुका है या आपका डाइवर्स हो गया है कोर्ट के द्वारा, तो आपको अगर आपने दोबारा से शादी नहीं करी है या आप रीमेरिड नहीं है तो आप एफिडेविट के रूप में आपको कोर्ट के अंदर देना होगा, आपको एफिडेविट बना के रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर देना होगा। यदि आप लोगों ने दोबारा से रीमेरिट कर दी तो अगर आपको दोबारा देने की दोबारा जरूरत नहीं है, आप अगर डाइवर्स हैं तो और कोर्ट के थ्रू अगर आपको डाइवर्स मिला है तो आप वहां पर आपको अपना एफिडेविट विद कमन डॉक्यूमेंट्स साथ में जमा करना होगा यदि आप लोगों ने रीमेरिट नहीं करी है तो। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ सपोज इन केस ऑफ विडो कैंडिडेट, यानी अगर आप महिला हैं और अगर आप क्या हो गए, अगर आपका जो सपोज थे उनकी क्या हो गई डेथ हो गई तो आपको उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। एफिडेविट स्टेटिंग डेट द कैंडिडेट हैज नॉट रीमेरिड, आपको यदि आपने दोबारा शादी नहीं करी है, आप दोबारा से रीमेरिड नहीं है और आपके जो सपोज थे वो अगर उनकी डेट हो चुकी है तो आपको वहाँ पे एक एफिडेविट बनाकर देना होगा विद डेट सर्टिफिकेट के साथ में, डेट सर्टिफिकेट भी देना होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है इस बात का, और एफिडेविट के साथ में। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर सर्विस एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग दिस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन शुड गिव हेल्प सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन के रूप में अगर आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट बना के देना होगा। यहाँ पे आप सब बातें आपको यहाँ पे सारे फॉर्मेट आपको मैं दिखा दूंगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये तो थी मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन में आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर जो लागू होते हैं, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में आते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर में बना के देना है, अगर नहीं आते हैं तो आपको बना के देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप विधवा हैं तो आपको विधवा डॉक्यूमेंट बना के देना है, अगर नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको डाइवर्स मिला है तो बना के देना है, अदरवाइज नहीं देना है ठीक है, ये बात यहाँ थी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सारे फॉर्मेट लीगल जो फॉर्मेट हैं मैं आपको सारे बता देता हूँ कि किस किस फॉर्मेट में आपको सारे लेके जाने हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो फॉर्मेट आपको देना होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मेट है, तो देखिए ये वाला जो फॉर्मेट मेरे पास होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मेट मेरे पास मुझे दिया गया है, ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट। तो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एनेक्सर फर्स्ट, ये दे रखा दोस्तों।
तो जो लोग एससी एसटी से आप में से बिलोंग करते हैं तो उनको ये वाला फॉर्मेट रेलवे ने जो डिसाइड किया है वो का वही फॉर्मेट आपको बना के देना होगा। अगर ये फॉर्मेट अगर आपको कहीं शॉप दुकान पे मिलता है तो आप वहाँ से परचेस कर लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप इसको रेलवे भर्ती बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है इस आप प्रिंट को आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसको बनवा लीजिए। दोस्तों इसकी पूरी जो पीडीएफ इसको मैं अभी आपके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी पूरी वीडियो का उसका वीडियो भी आपके पास होना एंड तक जरूरी है। और ये जो पीडीएफ है ये तो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं हो जाती वहाँ तक। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ में से आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा सारे फॉर्मेट को और आप इसको अपने संबंधित जो जहाँ हैं वहाँ आप इसको बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको बनाने के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडिशनल जी आपको सब यहाँ दे रखा है दोस्तों, ठीक है आप यहाँ से बना सकते हैं इस चीज़ को। ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट दोस्तों ये एनएक्सजेड सरकार ने दे रखा है, ये आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया गया है, ये आपका वहाँ से बना के देना होगा। ये सारी बात मैं यहाँ से बता दी, आपको यहाँ से आप बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर कमिश्नर के द्वारा। ये होगा दोस्तों एनएक्सजेड सेकंड ए जो कि डिक्लेरेशन होगा वो होगा हमारे पास में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो किसके लिए होगा देखिए दोस्तों परफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन टू द सबमिटेड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट एट द टाइम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN 2/2018। आप अगर ओबीसी में आते हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ये फॉर्मेट जो होगा वो आपको स्वयं को भर के देना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना है। ये आपको साइन यहाँ पे हो जाएंगे, इस जगह आपके साइन हो जाएंगे यहाँ पे और आपको साइन करके आपका नाम लिख के आपको स्वयं को सेल्फ डिक्लेयर करके और यहाँ पे पहले से डेट डालते हो आपको उस समय देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट ABC इकोनॉमिकली की बैकवर्ड क्लासेस परफॉर्मा फॉर वीवर ऑफ एग्जामिनेशन फी टू द सबमिटेड बाई इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। यानी दोस्तों यदि आप लोगों ने अपनी फीस को वीवर किया है यानी अगर आपने अपनी फीस को वापस रिटर्न प्राप्त किया है तो आपको ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की श्रेणी का जो सर्टिफिकेट है रेलवे ने डिसाइड किया है ये आपको बनाकर देना होगा। अगर आपने फीस को रिटर्न प्राप्त नहीं किया है तो आपको ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का जो सर्टिफिकेट है ABC वाला सर्टिफिकेट ये बना के देने की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। मेरे हिसाब में सब लोगों ने फीस को प्राप्त किया हो रिटर्न और जिन्होंने प्राप्त किया है तो वो लोग इस फॉर्मेट को बना के देना है, अगर नहीं देते हैं तो आपकी उम्मीदवार को रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए बात को ध्यान रखना है स्पष्ट। एनएक्सजेड नंबर फोर्थ अब दोस्तों एनएक्सजेड नंबर फोर्थ जो है हम देखते हैं जो मैंने बताया था अभी आपको लास्ट बात बताई थी कि माइनॉरिटी के लिए तो परफॉर्मा फॉर व्यूअर ऑफ एग्जामिनेशन फी टू द सबमिटेड बाई माइनॉरिटी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंट नोटिस सीन 2018। एंड दोस्तों बात करेंगे कि जो अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट की श्रेणी में आते हैं तो आपको जो फीस आपने विवर प्राप्त किया था तो ये एनेक्शन नंबर फोर्थ अगर आप माइनॉरिटी से तो आपको बिलोंग करते हैं तो आपको भर के देना होगा, अगर आप माइनॉरिटी से तो आपको ये भर के देना होगा ये वाला फॉर्मेट सेल्फ अटेस्टेड के साथ। एनेक्शन नंबर फिफ्थ ए जो कि होगा दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट के लिए हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए तो ये जो आपके ऊपर जो लागू होता है उसका आपको भर के देना होगा। यहाँ दे रखा दोस्तों इन केस ऑफ अजम्पशन ऑफ कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स एंड इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस यदि आप पैरालिसिस हैं और अगर आप अंधापन है तो आपको इसका ये देना होगा, ब्लाइंडनेस अगर है आप में तो ये आपको ये वाला फॉर्मेट देना होगा। यहाँ सब आपको डॉक्टर जो होगा सारा इसमें भर के आपको सील लगा के देगा। अगर आप नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इशूंग द सर्टिफिकेट जहाँ से आपका मेडिकल भर्ती बोर्ड से आपको जो बनेगा वो वहीं से बनकर देगा। यदि आपने इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी है जैसे कि मान लो कि बताना नहीं चाहता हूँ मैं, आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को सारी बातों को, लोकोमोटर डिसेबिलिटी लोड विजन ब्लाइंडनेस सब बातें आपको यहाँ दे रखी दोस्तों कि इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दे रखी जो सब आप जहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं वो सारी बातों को आपको चेकअप करके वहाँ भर देगा, अगर आप में कोई कमी है तो यहाँ पे सारी बात को भर के और अपना मोर स्थिल टप्पा और हॉस्पिटल का नाम लगा आपको दे देता है। यहाँ दे रखा इन केस ऑफ दिस डोंट मेंशन ऑफ द परफॉर्मेंस सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे आपको सारी बात दे रखी कि यदि आप में कोई है या नहीं है डिसेबिलिटी तो आप यहाँ पे उसको भरवाइए, पैरा नंबर सेकंड फोर्थ आपको दे रखा है, एनेक्सर नंबर फॉर्म नंबर ये फोर्थ था और एनेक्सर नंबर फिफ्थ सी था, ये आपको डिसेबिलिटी के लिए देना होगा PW कैंडिडेट को। अब यहाँ देखो दोस्तों डिक्लेरेशन टू द सबमिटेड बाई विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट एंड दोस कैंडिडेट हु वॉज रिटन स्पीड इन एफेक्टेड बाई करेबल पाल्सी और म्यूजिकुलर वीकनेस एंड कैंडिडेट विथ ऑन आर्म
यानी अगर आप लोग क्या है विजुअली हैंडीकैप हैं तो विजुअली हैंडीकैप्ड हो गए तो उनके लिए ये वाला डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पे देना होगा भरा के। परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू द ऑप्टेन बाई कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड आई स्पेशलिस्ट। यदि आप लोग लोको पायलट के लिए दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपना आई स्पेशलिस्ट के लिए आपको 6:6 का जो रेशियो होता है इसको विदाउट ग्लासेस के साथ में चेक कराते हुए ये संबंधित भर्ती बोर्ड से संबंधित जो मेडिकल है वहाँ से आपको भरा के देना होगा। ये थे दोस्तों सारे परफॉर्मे मैंने जो आपको बताएं, ये सारे परफॉर्मे आपको भर के कंप्लीट रूप से जो आपको भर्ती बोर्ड है जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जाते हैं उस समय आपको वहाँ पर जमा कराने होंगे दोस्तों। अगर आप लोग इसको जमा नहीं कराते हैं, अगर आपके कहीं भी कमी रह जाती है दोस्तों तो आप इसके लिए अमान्य घोषित कर दिए जाओगे। इसलिए अभी भी काफ़ी टाइम है क्योंकि 17 दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम है, वहाँ तक जिन लोगों की हो चुकी है तो आज अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए लग जाएं, और जिनकी नहीं है अभी एग्ज़ाम नहीं हुई है तो एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में लग जाएं, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा क्योंकि एग्ज़ाम होते कुछ टाइम के बाद ही आपका लगभग एक माह बाद ही अप्रोक्सीमेट आपको रिजल्ट जारी कर सकता है। और रेलवे ने कहा था कि आपको मार्च से पहले पहले आपको इसका कंप्लीट पोस्ट भर लिया जाएगा क्योंकि मार्च में दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं और लगभग आपके मान के चलें कि अप्रोक्सीमेट लगभग जनवरी या फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी तो उस वहाँ तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीट करवा लें क्योंकि आचार संहिता लगने बाद में सेंट्रल में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है, हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं बने क्योंकि तो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं बनता आचार संहिता में तो आपको भारी समस्या सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप आचार संहिता वेट नहीं करें और किसी प्रकार के लेट डेट का वेट नहीं करें, तुरंत प्रभाव से डॉक्यूमेंट्स को अपने वक्त रहते हो सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवा लें, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ में मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों कि यार दोस्तों मैं आपको काफ़ी सारी बात बताता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको इसी प्रकार का जो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको सारी बात बताऊँगा जो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे जो ग्रुप डी का मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो अगर आपको डिमांड है कि सर मुझे तो जो एलपी या टेक्नीशियन है उनके डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता है, मुझे उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, किस किस प्रकार से मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से मेरे बन सकते हैं, जैसे मान लो कि ओबीसी सर्टिफिकेट होगा सेंट्रल का ये कहाँ से बनेगा, एससी एसटी का ओबीसी सर्टिफिकेट होगा कहाँ से बनेगा, तो सब बातें अगर आपको आवश्यकता है ज़्यादा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी डिटेल से बता दूंगा दोस्तों। अगला अगर आपको मुझे अगर एलपी का वीडियो की अगर आपको आवश्यकता है डॉक्यूमेंट्स के लिए तो कम से कम अगर आप मुझे 100 कमेंट करते हैं सब लोग मिलके तो मैं आपके लिए नया वीडियो ला के दूंगा एलपी का जल्द ही जल्द ला के दूंगा। और आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि मान लो एसएसजीडी है उसके लिए भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरत है तो मैं उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स का आपको वीडियो बना के दूंगा, और अगर आपको आरपीएफ के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना के दूंगा। तो जब तक आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में नई उम्मीद के साथ नई वैकेंसी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।